अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आप लोगों को जो हमने काम कराया था तो कुछ लैपटॉप के इश्यूज़ की वजह से वो क्लियर नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बना लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वीक क्लासेस नहीं हो पाएंगी, उसका रीज़न मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। लेकिन जो भी आगे पढ़ाना था ताकि आपका कोई लॉस ना हो, वो मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी इसे आपको पढ़ाना चाह रहा था, और दूसरा जब क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह हम इसको कंपनसेट करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। जैसे संडे को प्रैक्टिस नॉर्मली क्लास होती है तो हम उसकी जगह पे नॉर्मल क्लास कर लेंगे। इस तरह दो वीक्स हो जाएंगे, तो इस वीक के जो ये ऑफ है ये कंपनसेट हो जाएगा। वेल, इसको बंद करते हैं। तो हम चल से पहले VS Code पे, ये आप लोगों ने काफ़ी बार देखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक index.css भी अटैच्ड है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि HTML ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको बार बार रिपीट किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट एक और बना लूँ जिसमें हम शुरू से एक रिव्यू वीडियो हो, ताकि मैं समराइज़ कर लूँ कि जो हमने स्टार्ट से पढ़ा उसको मैं दोबारा से थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके इसी तरीके से आपको दोबारा पढ़ा दूँ। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमने HTML का टैग पढ़ना था, जो काफ़ी बच्चों को मैंने डेस्क पे जाके भी समझाया था, लेकिन उसको दोबारा से अब थोड़ा सीख लेते हैं। वो टैग है पिक्चर का। देखें, इमेज का टैग आपने नॉर्मल यूज़ किया था, तो वो इमेज का टैग यहाँ भी यूज़ होगा, सही है। पिक्चर का टैग सिंपली एक कंटेनर टैग है, बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह आपका डिव का टैग होता है। इवन दो अगर आप एक ब्राउज़र खोलेंगे और हम एक सर्वर ओपन कर लेते हैं ताकि हमें अपना कोड दिखाई दे, राइट। सही है, हम इसको क्लोज कर देते हैं ताकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये पूरा ब्राउज़र विंडो खाली है। अभी हम दिखा देते हैं कि भाई ये हमारी ब्राउज़र विंडो काम कर भी रही है कि नहीं। अभी हमने लिखा हेलो, ठीक है, तो हेलो आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारी HTML काम कर रही है। तो लेकिन पिक्चर का एलिमेंट कोई भी शो नहीं हो रहा, उसकी वजह यही है कि जैसा मैंने बताया कि ये एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब क्या था कि जस्ट एक बॉक्स है जिसके अंदर दूसरा एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो दूसरे बॉक्स वाले एलिमेंट कौन कौन से थे? डिव था, स्पैन था, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा फॉर्म ख़ुद एक कंटेनर टैग है, उसके बाद आपने जो टेबल पढ़ा वो भी कंटेनर टैग है। जो असल काम होता है वो उनके अंदर वाले एलिमेंट्स करते हैं, जैसे फॉर्म में इनपुट वाले टैग्स है और टेबल में TD वाले टैग्स है। इसी तरीके से पिक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है वो इमेज का टैग खुद है। पिक्चर ख़ुद कोई इमेज क्रिएट नहीं करता, लेकिन वो बहुत सारी इमेजेस को ग्रुप कर लेता है। वो एक ग्रुप बना लेता है जो आप डिफरेंट कंडीशंस इस पे लगा सकते हो इमेजेस पे, लेकिन उसमें इमेज का टैग एक ही आएगा, सही है। पहले तो इस इमेज में कोई हम इमेज लगा के देखते हैं। मैं एक इमेज लगा लेता हूँ, मैंने इमेज लगा ली है 800 by 600। तो आप देख रहे हैं कि एक इमेज आ गई है, और ये इमेज स्क्रीन साइज से बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये 800 by 600 की इमेज है, सही है। तो यही प्रॉब्लम है। अब फर्ज करें कि मैंने वेबसाइट बनाई और
ये मैंने इमेज लगाई 800, बेसिकली जो 800 है ये विड्थ है और ये उसकी हाइट है इमेज की। अब 800 नॉर्मल ब्राउज़र की विड्थ होती है एक लैपटॉप में या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में। तो अगर ये बंदा यही ब्राउज़र एक लैपटॉप फुल स्क्रीन पे देखेगा तो उसको ये इमेज फुल नज़र आएगी, लेकिन अगर यही एक बंदा जो टैबलेट पे देख रहा है जिसकी स्क्रीन साइज़ 10 इंचेस है या फिर एक मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा है तो अब वो साइज़ चेंज होने की वजह से मसला ये होगा कि वह इमेज कम्प्लीट नज़र नहीं आएगी। तो अब ये प्रॉब्लम है इमेज टैग के साथ, अब मैं क्या करूँ? तो उसका हल ये पिक्चर टैग। पिक्चर टैग आपको क्या अलाउ करता है कि आप एक सोर्स का टैग बनाते हैं। सोर्स के टैग में आप मिनिमम विड्थ दे देते हैं कि मिनिमम विड्थ कितनी हो जब ये टैग नज़र आए। सबसे पहले हम इसको 200 कर देते हैं तो एक इमेज यहाँ पे दोबारा आ गई है। बेसिकली ये इमेज जो है ये URL जो है ये रैंडम वीडियोस जनरेट करता है तो ये इसके लिए होता है, लेकिन अभी हम इसको जस्ट एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सोर्स जो एक नया टैग है ये यूज़ होता है पिक्चर के अंदर। अगर आप इसको पिक्चर के बाहर यूज़ करेंगे तो इसका कोई काम नहीं है और ये कोई काम करेगा भी नहीं। इसके अब एट्रीब्यूट्स हैं, दो मेजर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट मीडिया है, दूसरा एट्रीब्यूट SRC सेट है। अगर मैं इसको मिटाऊं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना लगे तो आप देख रहे हैं कि ये हम लोग एट्रीब्यूट बिल्कुल ऐसे ही लिखा करते थे, एक मीडिया है और एक SRC सेट। अब आप देख रहे हैं कि इमेज में क्या होता है SRC, लेकिन सोर्स में हम लोग क्या लगा रहे हैं SRC सेट। सही है, ये दोनों के एट्रीब्यूट के नेम्स का डिफरेंस है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसको कहता हूँ कि मुझे एक कंडीशन लगानी है किसकी, मिनिमम विड्थ पे, कि अगर मिनिमम विड्थ 500 हो पिक्सल्स तो ये वाली इमेज मत लगाना, ये वाली इमेज लगा देना। सही है, तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज चेंज हो रही है, अभी इमेज दूसरी है। यहाँ पे चेंज होगी बीच में, यहाँ पे तो ये बेसिकली दूसरी इमेज है कोई। जब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो ये इमेज चेंज हो गई। तो ये बेसिकली मैं एक रैंडम, ये वेबसाइट है जो आपको रैंडम इमेजेस देती है, हर बार जब भी आप पेज को रीलोड करेंगे तो ये एक न्यू रैंडम वीडियो आपको फ़ोटोज़ देगी। अब हम जब इसको रीलोड करेंगे तो अब देखें ये पिक्चर बदल गई। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब देखें पिक्चर बदल गई। तो ये बेसिकली वर्क है या ये इसका यूज़ है किसका, सोर्स का और इस पिक्चर के टैग का। इसी तरीके से आप सिर्फ एक नहीं लगा सकते, आप ये 4, 5, 10 आप जितने लगाना चाहें आप लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द साइज़। अब आप इसको कहते हैं कि नहीं जी, जो 300 से 300 तक हो उसके लिए मुझे एक और न्यू इमेजेस चाहिए, तो मैंने एक और इमेजेस ले ली। सही है, अब आप देख रहे हैं कि कोई और इमेज है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो अब ये कोई और इमेज आ गई, और इसको हम बड़ा करते हैं अब कोई और इमेज आ गई। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे स्क्रीन साइजेस चेंज हो रहे हैं उसके साथ साथ ये फंक्शंस अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है कि ये मिनिमम विड्थ क्या है। अब देखें, हो ये रहा है कि मिनिमम विड्थ 500 का मतलब है कि ये एक अब लिमिट है,
इसका मतलब है कि जब तक स्क्रीन का साइज़ 500 या 500 से बड़ा नहीं होता। अब ये क्या है मिनिमम विड्थ की, अगर हम डेफिनेशन देखें मिनिमम विड्थ, उसको हम कहते हैं नॉट लेस देन बट कैन बी ग्रेटर देन। क्या मतलब है कि मिनिमम विड्थ का जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 500 पिक्सल्स हैं, इसका मतलब है कि विड्थ अगर इससे कम हुई तो ये वाला सोर्स तो नहीं लगेगा, समझ लें कि ये गायब हो जाएगा, ये असर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर विड्थ 500 है या 500 से ज़्यादा है, 550 है, 600 है, 800 है, 900 है, तो कौन सी इमेज यूज़ हो रही होगी, ये वाली। मैंने क्लास में भी एक बहुत एग्जांपल अच्छी दिखाई थी आप लोगों को पिक्चर टैब के हवाले से, W3 स्कूल, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको हमेशा रेफ़र किया करें। तो अगर आप इस पर जाएंगे तो इन्होंने कुछ 3 इमेजेस यूज़ की हुई हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी इमेजेस यूज़ की हुई हैं, सबसे पहले है पिंक फ्लावर, ठीक है, ये आपके आगे पिंक फ्लावर। अब पिंक फ्लावर की कंडीशन इन्होंने क्या लगाई हुई है कि मिनिमम विड्थ या तो 650 हो या उससे ज़्यादा हो। अब देखिए मैंने स्क्रीन का साइज जैसे बड़ा किया तो इसका मतलब है कि ये जो विड्थ है ये 650 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इसको मूव करेंगे और ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आपको साइजेस भी बता रहा है कि आपकी स्क्रीन का साइज़ कितना है। अगर आप इसको रखेंगे 650, देखिए 650 हुआ तो ये पिंक फ्लावर वाली इमेज आ गई, मतलब ये वाला सोर्स काम कर रहा है पहला, ठीक है। अब मैं ले आता हूँ इसको 650 से नीचे, जैसे ही आप 649 पे आएंगे ना, इसको स्लोली कम करने की कोशिश करते हैं, देखें 647 पे भी चल गया है, चले 649। अब देखिए 649 भी हुआ ना, मतलब सिर्फ एक नंबर भी कम हुआ किससे, 650 से, तो ये वाली इमेज हट गई पिंक फ्लावर वाली और ये वाइट फ्लावर वाली इमेज एक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि जो वाइट फ्लावर वाली इमेज है इसकी विड्थ क्या है, वो बता रहा है मिनिमम विड्थ 465, या तो 465 हो या उससे ज़्यादा हो। इस वक्त जो हमारी विड्थ है वो क्या है, 649, तो 649 465 से बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन सही हो गई। अब ये वाला जो ऊपर वाला सोर्स है ये कह रहा है 650 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 649 कम है तो ये वाला सोर्स नहीं लग रहा, तो कौन सा सोर्स लग रहा है, वाइट फ्लावर वाला, वो हमें दिख रहा है। अब ये आखिरी वाली जो इमेज है वो कब लगेगी, ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज है, ये IMG वाला टैग में जो इमेज होती है वो तब लगती है जब कोई भी ऊपर वाली, दोनों, तीनों, चार, पांच, जितनी कंडीशंस आपने सोर्स जितने लगाए हैं, अगर वो कोई भी नहीं लग रही तो वो ये लग जाती है। तो ये सारा कमाल है इस पिक्चर टैग का। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम ये काम CSS से भी तो कर सकते थे, हम CSS से भी इमेजेस डिव के चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज़, हम परसेंटेज बता सकते हैं कि इतनी परसेंटेज तक ये इमेज लगनी चाहिए, इतनी परसेंटेज तक ये इमेज लगनी चाहिए। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि वो सारी इमेजेस लोड होंगी जब आपका पेज लोड होगा, तो वो मेमोरी बहुत उठाएगा, इससे आपका वेब पेज बहुत भारी हो जाएगा और ये आपको आगे चल के बड़े मसले देगा जब आप वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन पे आओगे। लेकिन ये वाला जो सोर्स है, ये वाला मेथड क्या करता है कि ये सिर्फ वो इमेज लोड करेगा जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगी। तो इसका मतलब कि पहले अगर फ़र्ज़ करें कि 3 इमेजेस लोड हो रही थी एक साथ, अगर यही काम आप CSS से करते, इस वक्त सिर्फ एक इमेज लोड होगी जिसकी कंडीशन वैलिड है। अब वैसे हम ये करके देखते हैं कि अगर हम 465 से थोड़ा भी नीचे गए तो हमारी इमेज ये वाली लगनी चाहिए, ऑरेंज फ्लावर वाली, हम करके देख रहे हैं। ऊपर आप इस साइज़ को नोट कीजिएगा, तो ये 465, ये 464, जैसे ही 465 यानी इससे कम हुआ है तो वाइट फ्लावर हट गए, कौन से लग गए, ऑरेंज फ्लावर। तो ये बेसिकली काम है पिक्चर का, ये सारा टैग ही इसीलिए है और इसका काम भी यही है, ठीक है। अब इस पे आप अपनी तरफ से आप कोई भी तस्वीरें लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से जो आपको सही लगे।
अब जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें करता हूँ कि मैं इसको जी 4 दे देता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं पहली लिमिट कर देता हूँ 800 पे, दूसरी लिमिट कर देता हूँ 700 पे, तीसरी लिमिट कर देता हूँ 500 पे, चौथी लिमिट कर देता हूँ 400, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, अब ये एक इमेज आई, अब इसको थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, नहीं ऊपर आपको साइज़ भी दिखेगा, इधर ऊपर पेज पे आपको दिखता है, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, मतलब पहली कंडीशन हमारी वेट होगी 400 पे। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो मीडिया का मिनिमम विड्थ है वो 400 से शुरू है, तो जब हम 400 पे पहुंचेंगे तो पिक्चर बदलनी चाहिए। अब 350 तक हैं हम लोग, ये हम 400 पे आ गए, तो ये पिक्चर चेंज हो गई बिल्कुल ऐसे जैसे हमें लग रहा था कि होगी, यानी कि ये वाली पिक्चर अप्लाई हो गई है 400 पिक्सल्स वाली। अब देखते हैं कि दूसरी इमेज कब आती है, तब हमें पता चल जाएगा 500 तक पहुंच गए। जी अब हम 500 पे पहुंच गए, मतलब ये वाली इमेज अप्लाई हो गई। अब हम इसको और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो अब हम 700 पे जब पहुंचेंगे तब जाके इमेज चेंज होगी। फिर से इमेज चेंज हो गई, इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन एक्टिव हो गया। ये पिक्चर सेम क्यों आई, ये बेसिकली मैं ये रैंडम पिक्चर्स एक बार URL से ले रहा हूँ, इस वजह से ये इसने सेम दे दी, ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी तस्वीर दे देता है, तो मुझे कोई भी पिक्चर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको और बड़ा करता हूँ, जब ये 800 पे पहुँचेगा तो दोबारा एक और इमेज चेंज हो गई। तो ये सारा मेथड है इस पिक्चर सोर्स और इमेज टैग्स का। तो ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस में बड़ा यूज़ होता है, जिसमें आपकी मोबाइल के लिए थोड़ी अलग पेज होता है जो कि मोबाइल के लिए बड़ा अच्छा हो, और वेबसाइट के लिए जो सिंपल लैपटॉप पे हो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हर डिवाइस के हिसाब से उन्होंने तस्वीरें टेक्स्ट वगैरह डिफ़ाइन किया हुआ होता है। तो ये है आपका पिक्चर, तो पिक्चर को अभी हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट का आपको मतलब याद होगा कि अब है तो सही लेकिन कोड में अब ये आएगा नहीं, तो अगर नीचे करें तो आपको नज़र आए। अब दूसरा टैग था हमारा वीडियो का, सही है। अब हम वीडियो कैसे लगा सकते हैं, वीडियो का टैग बड़ा सिंपल है, नाम भी इसका वीडियो ही है। अब इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है सोर्स के, भाई आपको कौन सी ये वीडियो लगानी है, ठीक है। उसके बाद अगेन आप इसके अंदर सोर्स का टैग लगा सकते हैं, जिसमें आप उसको सोर्स या टाइप बता सकते हैं। ये आप डायरेक्टली वीडियो से भी करके देख लें, आप डायरेक्टली सोर्स से भी करके देख लें, लेकिन सोर्स से करें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये आपकी वीडियो कहाँ से आएगी। जिस तरीके से आप इमेज लगाते थे, अब ये आप अपनी वीडियो लगाओगे कि आपकी वीडियो कहाँ से आपने पिक करनी है। जैसे आपने अगर अपने इसी फोल्डर में वीडियो रखी हुई है तो आपने जस्ट उसका यहाँ पर लिंक दे देना है, सही है। टाइप आप उसको बताओगे कि टाइप कौन सी है, तो आप बोलते हो टाइप MP4 या टाइप WebM या टाइप OGG। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वीडियो की, वो कैसे पता लगती हैं। अब जैसे ये है .html, तो जो आपकी वीडियो होगी अगर वो लिखा हुआ है .mp4 तो वो कौन सी टाइप है, वो MP4 है। अगर आप इसको हटा भी दें तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी टाइप लगाई है इस सोर्स में, ठीक है। लेकिन अब इस सोर्स में जो आप देंगे वीडियो वो HTML कंपैटिबल होनी चाहिए, मतलब जो HTML सपोर्ट करता हो। अब HTML के जो सपोर्टेड वीडियो टाइप्स हैं, सपोर्टेड वीडियो टाइप्स,
तो ये तीन हैं जी, MP4, WebM एंड OGG। ये तीन मतलब आप फॉर्मेट्स की वीडियो आप इस टैग में लगा सकते हैं। इसने अच्छा काम किया हुआ है, इसने वीडियो लगाई हुई है। मेरे पास अभी लैपटॉप में वीडियो नहीं है, तो हम डायरेक्टली W3 Schools की वीडियो चेक कर लेते हैं। हम मैं इसको मिटा देता हूँ। ये बेसिकली इसने क्या किया हुआ है कि इसने दो अलग अलग फॉर्मेट्स की वीडियो लगाई हुई है, ताकि अगर एक फॉर्मेट ना चले तो दूसरा फॉर्मेट चल जाए। वीडियो सेम है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो तो लग गई, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए, वीडियो का टैग है, उसके अंदर सोर्स का टैग है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पिक्चर में सोर्स का टैग था। सोर्स का टैग सिंपली आपको ये उसको बता रहा है कि ये आपने वीडियो कहाँ से उठानी है। आप सोर्स यहाँ भी दे सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन उसने भी यहाँ से दी हुई है। ये थोड़ा क्लीनर एक आपका मेथड है। अब वीडियो के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है कंट्रोल्स। कंट्रोल से क्या होता है कि कंट्रोल से ये जो अब आपको प्ले बटन मिल गया, ये टाइम मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया, ये फुल स्क्रीन मिल गया, ये सेटिंग्स मिल गया, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ये सिर्फ किससे आ रहे हैं? ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट से आ रहे हैं, जो कि वीडियो का एट्रीब्यूट है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये कंट्रोल हट जाएंगे, अगर आप इसको दोबारा लगा देंगे तो ये कंट्रोल आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब मसले की बात यह है कि अगर मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ, तो अब मैं इसको चलाऊं कैसे? इस वीडियो को मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वीडियो चल नहीं रही, अब क्या करें? तो इसके लिए क्या होता है कि आप लगाते हो ऑटो प्ले, तो ये वीडियो खुद चल गई, सही है। अब इसको दोबारा कंट्रोल्स कर देते हैं, अब इसके कंट्रोल्स आ गए, इतना सिंपल है। अब इसके साथ साथ इसमें दो और, अगर आपको याद हो तो इसके वे ये एट्रीब्यूट्स हैं, एक इसकी विड्थ थी और एक इसकी हाइट थी। विड्थ हाइट ये आप सिंपली CSS से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको अलहदा से एट्रीब्यूट दिए हुए हैं कि आप इधर से भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको CSS से, अगर आप विड्थ हाइट दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टाइलिंग CSS के थ्रू होती है। तो ये आपका वीडियो का टैग है, अगर आपने वीडियो लगानी है अपनी वेबसाइट में तो आप बेशक इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि वेबसाइट्स में फुल स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे एक वीडियो लगी हुई होती है और वो कुछ ऐसे चल रही होती है। जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो बैकग्राउंड पे कोई मार्केटिंग की वीडियो या कोई उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो चल रही होती है, तो वो बेसिकली इस तरीके से चलती है कि उन्होंने विड्थ टोटल 100% कर दी होती है और उसको ऑटो प्ले पे चलाया हुआ होता है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं या वेबसाइट पे आते हैं तो वो ऑटो प्ले पे चल जाती है। तो ये है आपका वीडियो का टैग, सही है। अब हम अपनी स्क्रीन पे दोबारा वापस आते हैं। दो एक टैग हैं जो आपके रह गए हैं, जो कि मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये ज़रूरी हो सकते हैं। अगर आपको पी टैग याद हो तो पैराग्राफ के सिंगल ही होता है। शायद आप लोगों ने, शायद नहीं मतलब आप लोगों ने मैट्रिक की बुक्स में पढ़ा है कि H2O पानी का फॉर्मूला है, लेकिन H2O ऐसे नहीं लिखते। H2O को हम लिखते हैं H2O सिंबल, अगर आप सर्च करें तो ये सिंबल टिपिकली बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होता है, H 2 छोटा फिर O, क्योंकि 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एक चीज़ तो ये, और दूसरी ही है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अगर किसी नंबर का लगा हुआ है तो वो कैसे मुमकिन है, सही है। तब ये दो चीज़ें HTML में कैसे हों?
अगर आपके पास एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन आ जाती है, कोई आपको कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट में मैथमेटिक्स की इक्वेशन लगाओ, तो आप ये स्क्वायर और ये H2O ये केमिकल फार्मूला ये कैसे लिखेंगे? तो इसके दो बड़े इम्पॉर्टेंट टैग हैं, इसको हम कहते हैं SUP और SUB, एक सब है एक सब है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सही है, इसको ज़रा हम पेज को सेव करें। तो देखें एक बेहतरीन सी इक्वेशन आ गई। सबस्क्रिप्ट का बेसिकली मतलब ही इंग्लिश में ये होता है कि वो लेटर्स जो कि नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे हो, उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो H2O में जो 2 है वो बेसिकली इसकी सबस्क्रिप्ट है। तो हमने SUB लगाया सबस्क्रिप्ट के लिए, और हम लोगों ने Y के ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया, किससे? सुपर स्क्रिप्ट से, SUP। ठीक है, तो ये दो बड़े एक अच्छे से टैग हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कोई बोल्ड या फिर आप लोगों का इटैलिक काम कर रहा होता है, कि आपने इसको इन टैग्स के अंदर रख दिया हो तो ये एक तरह से स्टाइलिंग या कोई एक चेंजेस लगा देता है। ये बोल्ड, ये सेम काम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होती है कि भाई जिस एलिमेंट के पीछे या जिस एलिमेंट को आपने सबस्क्रिप्ट बनाना है इसकी 2 की तरह, या उसको सुपरस्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर बनाना है, पावर बनानी है, तो आप ये सबस्क्रिप्ट के लिए SUB यूज़ करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप SUP यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ न्यू एलिमेंट्स थे। सबसे पहले हमने पिक्चर पढ़ा, पिक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले पिक्चर का एलिमेंट आता है। पिक्चर बजाते खुद एक कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग के अंदर ये लाइन बता देते हैं, सोर्स और इमेज का टैग होता है। सोर्स और इमेज का टैग, इमेज का टैग नॉर्मली जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल करेंगे, और ये इमेज का टैग तब लागू होगा जब ऊपर जो कंडीशन हैं अगर कोई भी ना लग रही हो, मतलब स्क्रीन का साइज़ ना 800 से ज़्यादा है, ना 700 से ज़्यादा है, ना 500 या 400, इसका मतलब है कि 400 से कम है। तो 400 जब कम होगा तो ये वाली इमेज लग जाएगी। तो ये चीज़ हमने देखी। और सोर्स के दो बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक मीडिया, एक SRC सेट। नॉर्मल इमेज में SRC लगता है, सोर्स में SRC सेट लगता है। मीडिया का लिखने का तरीका ये है कि आप पहले ब्रैकेट बनाते हो, फिर CSS की प्रॉपर्टी की तरह पहले इस मिनिमम विड्थ को लिखते हो, कॉलन बनाते हो और उसकी पिक्सल्स लिख लेते हो, या कोई भी आप विड्थ दे देते हो कि जो आपको विड्थ चाहिए। उसके बाद हमने वीडियो का टैग पढ़ा। वीडियो का टैग बहुत सिंपल सा था। वीडियो के टैग में हमने पढ़ा कि इसके अंदर हम SRC लगा सकते हैं, सोर्स लगा सकते हैं, सोर्स का टैग होगा, और सोर्स के टैग में आप लोग SRC दे सकते हैं और आप टाइप दे सकते हैं। ठीक है, SRC जहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, टाइप वीडियो भी कोई भी टाइप है, अगर आप इसको ना भी दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ये नहीं दे रहे तो आप कम से कम ये श्योर करें कि वो जो आप वीडियो की फॉर्मेट दे रहे हैं वो HTML एक्सेप्ट करता है। अब वीडियो के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबसे पहला जो है वो उसका विड्थ होता है, इसकी हाइट होती है। सही है, ये दो एट्रीब्यूट्स हो गए। और तीसरा एट्रीब्यूट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंट्रोल्स, जैसे हम देख रहे थे कि कंट्रोल आ जा रहे थे या फिर ऑटो प्ले। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशंस बनाना सीखी कि इक्वेशंस में अगर ये लोअर वाला नंबर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे SUB से। अगर ये ऊपर वाला नंबर लिखना हो छोटा सा तो हम कैसे लिखेंगे उस नंबर को, या उस कोई भी वर्ड को, ये वर्ड भी हो सकता है हेलो, देखें आप हेलो आ गया। तो ये SUP के अंदर लिखना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर है, सबको कवर किया हुआ है पी ने, जो कि पैराग्राफ का टैग है। पी के अंदर हमने कुछ वर्ड सिंपल लिखे हुए हैं जैसे हम लिखते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स के अराउंड हमने
एक नए टैग्स बनाए हुए हैं जो SUB और SUP हैं, उसका यूज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कुछ न्यू HTML के टैग्स जो आपको पढ़ने थे, जो लास्ट क्लास में मैंने इंडिविजुअल डेस्क पे जाके भी बच्चों को पढ़ाए, लेकिन क्योंकि वो उधर थोड़ा मसले मसाइल हो गए थे लैपटॉप के साथ, तो मैंने कहा कि अभी वीडियो भी बना लेता हूँ। और इसके बाद जो ये एक हमारी जब दोबारा मैं क्लास आपकी लूँगा, तो मैं इसको दोबारा से, अगर आप लोगों के पास समझ में नहीं आई ये, तो हम इसको दोबारा से भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं। तो HTML के हवाले से सिर्फ इतना सा था। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के, जब ये वीडियो पोस्ट हो तो इस वीडियो को टैग करके, जैसे WhatsApp पे टैग किया जाता है, आप उसके नीचे अपना क्वेश्चन लिख देंगे, तो इस वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाई गई है मैं उसके मुतल्लिक आपका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये ख्याल रखें कि इसका जो नॉर्मल जो दूसरी आपकी बातें हो रही होती हैं ग्रुप में, ताकि उसको थोड़ा क्लीन रखें, अगर ये क्वेश्चन आंसर का कोई सेशन चल रहा हो तो, अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो बराए मेहरबानी आप अपना सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको है तो तब आप पूछें, कोई इजाफी बात नहीं लिखें, ताकि ऐसा ना हो कि उस बच्चे का जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो जाए और वो मुझे दिखे ना। तो जब ये अगर वीडियो पोस्ट हो रही है उसके नीचे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जब क्वेश्चन कोई नहीं आए तो आप अपनी कोई भी बात दोबारा कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया।